गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी टिप्स बाय एसएलचेम। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं एनबीए बास्केटबॉल लीग का जो अभी फर्स्ट मैच होने वाला है आपको 10:30 बजे रात में, उसके बारे में। ठीक है, तो ये मैच सास और यूटीए के बीच में होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्लेयर मिस हैं सैन एंटोनियो स्पर्स की टीम से, और उत्तर जैक के साइड से ठीक ठाक हैं, खेल रहे हैं लगभग। तो यहाँ पर क्या करना है, टीम तो यहाँ पे आपको अगर आप ऐसे देखिएगा कि मेन प्लेयर सास का खेल नहीं रहा है तो आपको वीक दिखेगा सास। बट मैं कुछ बात बताऊंगा जिस पे कि आपको ध्यान देना है और जीएल में वही सब ट्राई करना है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंप्लीट लाइनअप और स्टार्टिंग लाइनअप पॉसिबिलिटी क्या क्या है। कन्फर्म तो आपको मैच के 15-20 मिनट पहले आ जाएगा, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे देता हूँ। बट अभी एक पॉसिबल जो है वो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जिसको कि आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ से देखिए, सास के साइड से आपको डी मुरे, डेरिक वाइट, एल वॉलकर, डी डी जॉर्डन, जैकोब पोल्टियर और रोडिगे, ये सब बेंच प्लेयर हैं। ठीक है, बेंच प्लेयर में रोडिगे, के जॉनसन, पैटी मिल्स, ये सब ठीक प्लेयर हैं। इधर नीचे कुछ खास मुझे उतना लगता है नहीं। हाँ, यू टी ए के साइड से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर आउट हैं, जैसे कि डी मिचेल आउट है, माइक क्लोनी आउट है। तो ऐसे केस में क्या करना है ना, हमें यू टू ए के 4-5 प्लेयर लेने ही हैं। जैसे जे क्लार्कसन ले लीजिए, जो सिंगल्स ले लीजिए, जीनियांग ले लीजिए, टी बार्ड ले लीजिए, ये चारों को ले लीजिए। ठीक है, ये चारों को ले लीजिए, क्योंकि और एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसका कोई छोटा प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। नीचे जो आप देख रहे हैं, ये सारे बहुत लो क्रेडिट के प्लेयर हैं, इसमें से कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मे बी ई मुंडे भी परफॉर्म कर सकता है। तो इस टीम के ही स्मॉल क्रेडिट मैनेज का कोई दिक्कत है ही नहीं आज के मैच में। तो आप कोशिश कीजिएगा ना कि यूटीए जैक के साइड के कम से कम 4-5 प्लेयर रखे ही हर टीम में, जीएल और एसएल में। ठीक है, और एसपी चॉइस है तो एसपी चॉइस के बारे में चलिए बताता हूँ। पहले देख लीजिए कौन कौन आउट है, देख लीजिए। यहाँ जय साइड से बी बॉगडोनविक आउट है, माइक क्लोनी आउट है, रूबी डी गॉवर्ट आउट है, डी मिचेल आउट है, आर ओनीला आउट है, एन विलियम्स ग्रॉस है। मतलब ये हो गया कि सारा इंपॉर्टेंट प्लेयर को रेस्ट दिया गया है इस मैच में। ठीक है, इस मैच में सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर रेस्ट पे हैं, जो खेलेंगे आपको जो बेंच वाले प्लेयर होते हैं, जो कम चांस मिलते हैं, वो लोग आज स्टार्ट करेंगे और खेलेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और अगर प्लेयर नंबर ऑफ प्लेयर जहाँ कम होता है तो उसे टाइम ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिए, और कंप्लीट लाइनअप मैच से 15 मिनट पहले मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। ठीक है, तो सीबीसी चॉइस बता रहा था मैं आपको, सीबीसी के लिए आपको डी डी जॉर्डन, डी मुराई, और यहाँ से आपको आज जॉस इंगल्स भी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, जॉस इंगल्स मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जॉस इंगल्स आज ज़्यादा टाइम खेलेगा, परफॉर्म करेगा। जॉस इंगल्स, जे क्लार्कसन भी अच्छा परफॉर्म करेगा, बट उसे स्मॉल लीग में एसपी ट्राई करना या फिर पीपी ट्राई करना थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि ऐसे प्लेयर पर जिसपे इरेगुलर हो, कभी चले कभी ना चले, तो स्मॉल लीग में उसे नहीं, जीएल में आप कहीं कहीं ट्राई कर लेना। तो चलिए, सबसे पहले अभी आपको बता दूं कि मैं अपना स्मॉल लीग का फाइनल टीम और लाइनअप वगैरह आपको टेलीग्राम पे देता हूं। तो टेलीग्राम पे आपको कैसे ज्वाइन होना है, तो आपको टेलीग्राम पे सर्च कर लेना है @NitishForYou। ठीक है, NitishForYou जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको एस एल चैम्प नाम से चैनल दिखेगा, और भी बहुत सारा दिखेगा फर्जी फेक वगैरह। बट आप ये नीचे जो ब्लू दिख रहा है ना, ये जैसे NitishForYou सर्च करेंगे तो ये ब्लू जो दिख रहा है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बस ओनली NitishForYou, ना डॉट, ना वन, ना टू, कुछ नहीं। बस आपको आराम से इस चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, एस एल चैम्प नाम से, और ज्वाइन होने के बाद आप यहाँ पे विनिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरह से आपको टीम प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या देते हैं, और सब कुछ यहाँ पे फ्री है, किसी चीज़ का कॉस्ट नहीं है। आप जाके टीम परफॉर्मेंस वगैरह देख लेना, लाइनअप भी हम आपको दे देंगे, और विनिंग भी स्क्रॉल करके आप ऊपर देख लेना। ठीक है, फैंटेसी है, विन लॉस तो होता है, बट हम लोगों का एवरेज अच्छा है, चैनल का बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट आप लोग आइए तो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग भी अभी तक प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, सब लोग इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको एडिशन का बेनिफिट, अगर आप रेफ़र करते हैं दूसरे को तो उसका भी बेनिफिट है। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये सजेशन दूंगा कि एक बार इस ऐप को जाइए, इसको ट्राई करके देखिए। इसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करना है, वीडियो के टाइटल पर टैप कीजिएगा, जैसे ही टैप कीजिएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको, और प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाना और स्मॉल लीग खेलिए यहाँ, और अगर आपका सर्किल अच्छा है, आपके दोस्त वगैरह खेलते हैं, तो रिफ़र भी कीजिए, आपको बेनिफिट हो जाएगा। अभी रेफरल पर कुछ
ऑफ़र चल रहा है और डिपॉजिट पे भी ऑफ़र है, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए, एप्लीकेशन को देखिएगा जरूर सब लोग। चलिए अब एक पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ। तो मैं यहाँ पॉइंट गार्ड से डी मुराई, शूटिंग गार्ड से डी वाइट और जे क्लार्कसन को लिया हूँ, स्मॉल फॉरवर्ड से डी डी जॉर्डन और जॉश इंगल्स को, पावर फॉरवर्ड से जीन यांग और सैंडर से जे पॉल्टियर और टी बार्डली को मैं लिया हूँ। आप यहाँ से जे पॉल्टर को हटा के यहाँ आप के जॉनसन को ले सकते हैं या फिर रूडिगो के ले सकते हैं। रूडिगो ठीक ऑप्शन लग रहा है, तो रूडिगो की भी आप ले सकते हैं, बट मैं जा रहा हूँ जे पॉल्टियर के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ से बात करें एसपी और पीपी की, तो यहाँ से एसपी के लिए मैं डी मुरे को और एसपी के लिए डी डी जॉर्डन और पीपी के लिए डी मुरे, बट पीपी के लिए एक और चॉइस है जॉश इंगल्स। जरूर ध्यान दीजिएगा जॉश इंगल्स पे आज आप लोग, ठीक है, बट स्मॉल लीग में मैं डी मुरे को लेके चलूँगा या फिर जॉश इंगल्स को, वो फाइनल कर लेंगे लाइनअप के बाद कि कितने प्लेयर किस टीम से हैं। जब लाइनअप आ जाएगा तो एक कंप्लीट फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को अब यहीं रोकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग आराम से खेल सको। तो अब धन्यवाद, वीडियो को यहीं रोकते हैं।